नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुंदन है और इस वीडियो में तुक्का मारने का विज्ञान डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सीएस स्टूडेंट हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में हो और एमसीक्यूज पेपर देने वाले हो तो आपके लिए ही ये वीडियो है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि तुक्का मारने का विज्ञान क्या है, किस तरीके से तुक्का मारने के बाद आप एग्जेम्पशन गेन कर सकते हो। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी पेपर था एग्जीक्यूटिव में, एमसीक्यूज बेस जितना भी पेपर था, सभी के सभी पेपर में मैंने एग्जेम्पशन गेन किया था। ठीक है, जिसे मेरे समय में था कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स हो गया, ILGL था। तो ये तीन पेपर एमसीक्यूज बेस था, सभी पेपर में मैंने एग्जेम्पशन गेन किया हूँ। तो आप भी गेन कर सकते हो, मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सभी पेपर में एग्जेम्पशन गेन किया हूँ, आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भैया, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, बिना पढ़े आप तुक्का मार के एग्जेम्पशन तो दूर की रही बात, पास भी नहीं हो सकते हो भैया। तो पढ़ना पड़ेगा ही, बिना पढ़े आप पास भी नहीं हो सकते हो, तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 40 नंबर। ठीक है, तो कम से कम आपको चाहिए कि 40 नंबर किसी हर हाल में करेक्ट कर ही देंगे। अगर इससे कम कर रहे हो तो आगे मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको। इससे पहले अब बात कर लेता हूं क्या निगेटिव मार्किंग होता है। तो जी हां, निगेटिव मार्किंग 1:4 में होता है। इट मीन्स अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसको और इजी में बताऊं कि हर एक 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, तो निगेटिव मार्किंग है। तो इस हिसाब से तुक्का मारने का विज्ञान भी निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए करना है। तो अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम पासिंग स्कोर कितना है, 40 नंबर। तो अगर आप 40 नंबर से कम करेक्ट कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। अगर आप 40 नंबर से कम, 40 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन को करेक्ट करने में सक्षम हो तो आपको चाहिए कि वैसे भी फेल ही हो रहे हो, मान लिया जाए 39-38 इतना क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो भैया 39 नंबर लाकर भी क्या करोगे, फेल नहीं होगे। तो इससे अच्छा है कि सभी के सभी जितना भी बच गया क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन, सभी में तुक्का लगा दो, सभी में तुक्का लगाकर 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अब आप पास होगे या फेल होगे वो आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि अगर आप 40 नंबर से कम करेक्ट कर सकते हो तो सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जैक्ट आपको 40 नंबर ही आ रहा है, 40 क्वेश्चन ही करेक्ट कर पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन ही करेक्ट कर पा रहे हो तो भैया यहाँ पर संभल जाओ, कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, एक भी क्वेश्चन को तुक्का नहीं लगाना है। अगर एक क्वेश्चन आप तुक्का लगाए हो, मान लिया जाए वो क्वेश्चन गलत हो गया तो गए आप, ख़त्म हो गए, फेल हो जाओगे। तो 40 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो इस सिचुएशन में तुक्का नहीं लगाना है, 0 लगाना है। तो 40 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हुआ तो निगेटिव मार्किंग कितना आएगा, 0/0। तो मिनिमम 40 नंबर आप ऑब्टेन कर लोगे, पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट 40 नंबर आप करेक्ट कर रहे थे तो ये विज्ञान था। अब आगे चलते हैं, मान लिया जाए कि आप 45 क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे हो तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 40। आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा 5 नंबर ला रहे हो, निगेटिव स्कोरिंग कितना है, 0.25। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो ये 5 नंबर गेन कर रहे हो तो इसके एबज में जितना क्वेश्चन होगा उसको तुक्का मार देंगे। तो इसके एबज में कितना
क्वेश्चन को तुक्का मार सकते हैं, तो 0.25 से डिवाइड कर दो 20 क्वेश्चन को आप तुक्का मार सकते हो, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तुक्का नहीं मारना है, हर हाल में ध्यान में रखना है। अगर आप 45 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन को तुक्का मारना है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा अटेम्प्टेड 65 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। तो मान लिया जाए ये जो तुक्का मारा था आपने 20 क्वेश्चन, इतना बाह्यात तुक्का था कि सभी के सभी गलत हो गया, 20 क्वेश्चन गलत हो गया, इतना बैड लक था, आपका कुछ भी काम नहीं किया, भगवान भी साथ नहीं दिए। तो ये 20 क्वेश्चन जब गलत होगा तो ये 20 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग कितना हो जाएगा, हर एक 4 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन गलत, तो 5 नंबर माइनस होगा, तो आप 45 नंबर आपको आ रहा था, 5 नंबर माइनस में गया, तो मिनिमम 40 नंबर तो आ ही रहा है, पास हो ही जा रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन आपने तुक्का मारा, मान लिया जाए इसमें से 4 भी क्वेश्चन सही हो गया, तो समझ रहे हो आप 45 से सीधे ऊपर उठ जाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लिया जाए आप 50 क्वेश्चन करेक्ट करने में सक्षम हो, 50 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, तो क्या चाहिए, देखिए 40 तो मिनिमम पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, तो 10 नंबर ज़्यादा आपको आ रहा है। इस सिचुएशन में कितना तुक्का लगा सकते हो, तो 40 क्वेश्चन को, तो टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर 50 क्वेश्चन अब सही करेक्ट कर पा रहे हो तो 40 क्वेश्चन तुक्का मारना है, 40 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 40 क्वेश्चन, 40 से कम हो सकता है, तो 90 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अगर 40 के 40 बाह्यात तुक्का था और 400 गलत हो गया, 40 क्वेश्चन तुक्का वाला सभी गलत हो गया, तो माइनस नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, 10 नंबर, तो ठीक है 50 नंबर में 10 नंबर नेगेटिव कर दो, 40 नंबर तो आ ही रहा है, पास हो ही जाओगे, ठीक है। अगर 40 में मान लिया जाए 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो समझ रहे हो 50 से सीधे ऊपर आप उठ जाओगे। तो ये था मिनिमम पासिंग मार्क्स का तुक्का। तो और भी देख लीजिए एक और, अगर 52 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो, 52 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं 48 क्वेश्चन सभी के सभी अटेम्प्ट कर दो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम कितना भी बुरा हालात होगा, बुरा लक होगा, बैड लक होगा, आपका तुक्का बाह्यात गया होगा, तो 48 क्वेश्चन गलत होगा, तो मैक्सिमम 12 नंबर निगेटिव जाएगा, तो 52 माइनस 12, मिनिमम 40 नंबर आ रहा है, पास हो ही जाओगे, ठीक है। तो ये था मिनिमम पासिंग स्कोर का तुक्का मारने का विज्ञान। तो अब चलते हैं एग्जेम्पशन किस तरीके से लाया जाए, इसके लिए तुक्का मारने का विज्ञान क्या है। तो देखिए आपने 52 क्वेश्चन तक का तुक्का समझ लिए, अगर आप 60 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, 60 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, तो तुक्का नहीं मारना है भैया, यहाँ से आपको स्टॉप हो जाना है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं टच करना है। अगर एक भी क्वेश्चन अगर टच करोगे, मान लिया जाए वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो सीधा एग्जेम्पशन आपके हाथ से गया। तो 60 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन में तुक्का 0 मारना है, ठीक है, तो मिनिमम ऑब्टेन कर लोगे 60 मार, तो एग्जेम्पशन आपका आ गया, ठीक है। मान लिया जाए 65 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हो, 65 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो, तो 60 में एग्जेम्पशन प्लस 5 मार्क्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो 5 नंबर के लिए आप 20 क्वेश्चन को तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि अगर 20 के 20 क्वेश्चन कितना ही बाह्यात तुक्का लगा तो 20 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर गया, तो 65 में से 5 नंबर गया, तो भैया 60 नंबर तो आ ही गया, तो एग्जेम्पशन तो है ही मेरे हाथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
कि अगर आप 68 क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, सभी के सभी अटेम्प्ट कर लो। 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है। अगर 32 के 32 तुक्का आपने लगाया, सभी गलत हो गया, तो मैक्सिमम 8 नंबर निगेटिव होगा। तो 68 में से 8 डिडक्ट कर लो, 60 नंबर तो आ ही गया। एग्जेम्पशन तो आपके हाथ में ही है। मान लिया जाए 32 में से अगर 20 क्वेश्चन, 20 ने चलो 10 ही क्वेश्चन मानते हैं, 10 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 68 प्लस 10, 78 क्वेश्चन सही हो गया। गलत कितना क्वेश्चन होगा? 32 में से 10 लेस कर दो, 22 क्वेश्चन, 22 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.5 मान लो, 5-6 नंबर मान लो, तो 78 में से 6 नंबर गया, कितना बचा? 72। 72 नंबर आप गेन कर लोगे। अगर 68 नंबर करेक्ट करने के बाद आप छोड़ रहे थे तो कितना आता? 68 नंबर ही। अगर आप 32 क्वेश्चन को और अटेम्प्ट कर देते, तुक्का मार देते, तो 32 के 32 अगर बाह्यात तुक्का था, फिर भी 60 क्वेश्चन, 60 नंबर आपको आ रहा था। एग्जेम्पशन हाथ में है ही। अगर 32 में से 10 क्वेश्चन आपको करेक्ट हो रहा है तो आपको 72 क्वेश्चन, 72 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि CS एग्जीक्यूटिव MCQs पेपर में तुक्का किस तरीके से मारा जाए, तुक्का का विज्ञान क्या है। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल होगा। अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं अगले वीडियो में आपका सुझाव, आपका कमेंट, आपका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी इश्यूज होगा, जो भी क्वेरीज होगा, मैं रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।